तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड पेपर के बारे में, यानी कि नाटक। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो नाटक से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीए हिंदी सेकेंड पेपर में निबंध और नाटक और बहुत सारे लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेखक के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, तो आज की इस वीडियो हम नाटक के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें निबंध के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नाटक के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मैंने लगभग इंक्लूड कर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो वीडियो में बताने वाले हैं हम। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जरा सा स्किप भी मत करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं और अच्छे से क्वेश्चन बता पाऊं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपकी अपनी वेबसाइट है जहां पर लिखा है sandeepinfo.com, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं बनाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सहित और पीडीएफ भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, तो एक बार विजिट करिए और वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास, बहुत सारे कवियों के मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं, तो चेक करिएगा। और ये फेसबुक पेज है, आप अभी इसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर भी एक्टिव रहते हैं, तो आप कुछ पूछेंगे तो हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और ये जो मेरी क्लासिक टाइमिंग है, डेली की जो क्लासेस टाइमिंग है वो है 7, तो आप डेली 7 बजे रेडी रहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास मिस मत होने पाए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छी से तैयारी भी करनी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा इंट्रो दे दिया हूँ, आप लोग बोर मत समझिएगा कि सर वीडियो आप 2 मिनट आप लेक्चर देने में लगा देते, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ही बोलता हूँ, ठीक है, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर एक है सती प्रताप, और बी नंबर है कामना, सी नंबर है नहुष, डी नंबर है नल दमयंती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, नहुष। हिंदी का जो प्रथम नाटक था वो है नहुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में कितने पात्र होते हैं। नंबर एक है 4, बी नंबर 7, सी नंबर है अनेक, डी नंबर 3। तो जो नाटक में पात्र की संख्या होती है वो अनेक होती है, ठीक है, कोई ये नहीं है कि 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो जो नाटक में पात्र होते हैं वो अनेक होते हैं, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक का वास्तविक विकास किससे माना जाता है। नंबर एक हजारी प्रसाद, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर निराला, डी नंबर जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर जयशंकर प्रसाद। हिंदी का जो नाटक वास्तविक विकास माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद जी से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है। नंबर एक जगदीश चंद्र माथुर, बी नंबर है सेठ गोविंद दास, और सी नंबर है हरकृष्ण प्रेमी, डी नंबर है लक्ष्मी नारायण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। नंबर एक सती प्रताप, बी नंबर है नील देवी, सी नंबर है करुणा, और डी नंबर है प्रेम योगिनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, करुणा नाटक नहीं है, ठीक है, भारतेंदु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया था। नंबर एक गुजराती में, बी नंबर फारसी में, सी नंबर संस्कृत, और डी नंबर इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, संस्कृत में अनुवाद किया गया था, ठीक है, रत्नावली नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी किस वर्ग के नाटककार हैं। नंबर एक सामाजिक, यहाँ सामाजिक हो गया तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइप करने मैंने बोला है कि कुछ मिस हो जाती है मिस्टेक, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, सामाजिक है ये। तो दूसरा बी नंबर ऑप्शन है पौराणिक, और सी नंबर है ऐतिहासिक, और डी नंबर है मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्याग और ग्रहण नाटक किसका है। नंबर एक दशरथ, बी नंबर ओझा, बी नंबर
सेठ गोविंद दास, सी नंबर है चतुरसेन शास्त्री और डी नंबर है जैनेन्द्र। तो त्याग और ग्रहण नाटक जो है वो सेठ गोविंद दास का है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरस्तु नाटक के कितने तत्व मानते हैं या तत्व माने जाते हैं। नंबर एक है 8, बी नंबर है 5 और सी नंबर है 15 और डी नंबर है 9। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जल्दी से आंसर बताऊँगा क्योंकि आपको ऐसा ना फील हो कि आप बोर हो रहे हैं वीडियो देखकर, ठीक है, ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतेंदु ने किस कृत की रचना एक रात में की थी। नंबर एक विद्यासुंदर, बी नंबर नील देवी, सी नंबर अंधेर नगरी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर अंधेर नगरी, ठीक है। एक रात में रचना की थी भारतेंदु जी ने, अंधेर नगरी की जो रचना वो एक रात में की थी। बताइए कितना हार्ड वर्क किया था भारतेंदु जी ने, हरिश्चंद भारतेंदु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई। तो एक आधे अधूरे नाटक का नाम है, तो जो इसकी रचना हुई थी वो किस सन में हुई थी। आपको चार ऑप्शन है, जो राइट होगा उसे आप लोगों को ओमार शीट में फिल करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 1969 यानी कि 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसका है। तो कबीरा खड़ा बाजार में साहब की मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, ये तो आपने दोहा सुना ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कबीरा खड़ा बाजार में एक नाटक है, ठीक है। तो नाटक किसका है ये देखते हैं। नंबर एक है जैनेन्द्र, बी नंबर है रामचंद्र, सी नंबर है भीष्म साहिनी और डी नंबर है अज्ञेय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, भीष्म साहिनी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी की रचना कब हुई थी। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि अंधेर नगरी की एक रात में रचना हुई थी, ठीक है। तो अब ये अंधेर नगरी की रचना किस सन में हुई थी या इस ये कब रची गई थी। तो नंबर एक है 1901 और बी नंबर है 1880 और सी नंबर है 1881 और डी नंबर है 1920 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी की रचना हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूर की बेटी नाटक किसका है। नंबर एक है गोविंद बल्लभ पंत, बी नंबर है जैनेन्द्र, सी नंबर है मोहन राकेश, डी नंबर है जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत का एक नाटक है, ठीक है। वीडियो में एंड तक दोस्तों आप बने रहिएगा, इसकी मत करिएगा, जरा से भी बैक मत होइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताए हैं, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, आंसर प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ आप ही लोगों के लिए कि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में फंसे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आप भी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रंगमंच का, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई रचना है। नंबर एक है उपन्यास, बी नंबर है आत्मकथा, सी नंबर है नाटक, डी नंबर है कहानी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, नाटक। अब जैसे कि एग्जाम में आ जाए नाटक की परिभाषा, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन या कहीं भी पूछा जाता है, तो जो नाटक की परिभाषा है वो है यही ऊपर वाली, ठीक है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से या दृष्टि जो होती है उसे हम नाटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नाटकों में गीतों का भी प्रयोग किसने किया। नंबर एक राम प्रसाद, बी नंबर है रामकुमार वर्मा, सी नंबर है जयशंकर प्रसाद, डी नंबर है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक को किसने पांचवा वेद माना है। नंबर एक भरत मुनि, बी नंबर रामचंद्र शुक्र, सी नंबर भारतेंदु और डी नंबर है मोहन राकेश। तो नाटक को जिन्होंने पांचवा वेद माना है उनका नाम है भरत मुनि, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें ऐसे भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। नंबर एक नील देवी, बी नंबर है पाखंड विडंबना और सी नंबर है अंधेर नगरी और डी नंबर है सती प्रताप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाखंड विडंबना भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, मूल नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के नाटककार कौन है? नंबर एक यक्षपाल, बी नंबर है लक्ष्मी प्रसाद, सी नंबर है जयनेन्द्र और डी नंबर है धर्मवीर भारती। तो द्विवेदी युग के जो नाटककार हैं वो हैं कौन है? निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के नाटककार कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, लक्ष्मी प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दुमदार आदमी नाटक किसका है? भारतेंदु रामकुमार, जे पी श्रीवास्तव और डी अग्गे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, जे पी श्रीवास्तव जी दुमदार आदमी नाटक के लेखक हैं या रचनाकार हैं या नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटककार कौन है? तो नंबर एक है गोपाल चंद गिरिधर, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद, सी नंबर हजारी प्रसाद और डी नंबर है हरिकृष्ण प्रेमी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का जो प्रथम नाटककार किसे माना जाता है या कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है, गोपाल चंद गिरिधर दास जी हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या कितनी है? नंबर एक पाँच, बी नंबर तीन, आठ, चार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पाँच, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? ऑप्शन नंबर एक है धर्मवीर भारती, बी नंबर भारतेंदु, सी नंबर जगदीश चंद्र माथुर और डी नंबर है भुवनेश्वर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र कौन नहीं है? नंबर एक सखराज, बी नंबर है मुद्गल, सी नंबर है रामगुप्त और डी नंबर है शिखर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुद्गल, बी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? नंबर एक दुखांत और बी नंबर है प्रसादांत और सी नंबर है सुखांत और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुखांत, ठीक है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? नंबर एक विश्व प्रभाकर और बी नंबर है सेठ गोविंददास, सी नंबर है चतुरसेन और डी नंबर है गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, विष्णु प्रभाकर जो हैं वो प्रसाद युग का नाटककार नहीं है, ठीक है, नाटककार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक कौन सा नहीं है? नंबर एक उड़ान, बी नंबर अंधीकली, सी नंबर छठा बेटा और डी नंबर है अंडे के छिलके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, अंडे के छिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर वेट नाटक किसका है? नंबर एक भारतेंदु, बी नंबर बालकृष्ण भट्ट और सी नंबर है रमेश और डी नंबर है गिरिराज किशोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रमेश पच्छी, ठीक है, इनका नाम पच्छी ऐसे लिखा था मैंने, फिर आप पच्छी नहीं लिखा, ठीक है, रमेश पच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोहन राकेश किस युग के नाटककार हैं? नंबर एक प्रसाद युग, बी नंबर भारतेंदु युग, सी नंबर अंधकार युग और डी नंबर है प्रसादोत्तर युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश जी जो नाटककार हैं वो हैं अंधकार युग के, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, मोहन राकेश अंधकार युग के नाटककार हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। ऑप्शन नंबर एक है उपेंद्र नाथ अस्क, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद और सी नंबर है भारतेंदु, डी नंबर है निराला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ भारतेंदु ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन,
आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके आप बताइए कैसी आपको वीडियो लगी। आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन मैंने डाले हैं नाटक से रिलेटेड, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं डाल सकता था लेकिन वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोगों को बोरिंग फील होता, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन एंड 30 ही क्वेश्चन बताए हैं। और वेबसाइट पर जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, sandeepinfo.com मेरी वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर मैं 30 से और भी ज़्यादा यानी कि लगभग 50-60 क्वेश्चन डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बोरिंग वाला कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो इससे भी अधिक मैं 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं उस पर डाल दूंगा, तो आप उस पर विजिट करके उस पर आप क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।